हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक एक ऐसी पाकिस्तानी राइटर के बारे में है जिन्होंने इंडियन फिल्म की कहानी के डायलॉग्स लिखे। हसीना मोइन पाकिस्तान की मुमताज ड्रामाटिस्ट, प्ले राइटर और स्क्रिप्ट राइटर हैं, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन के लिए पाकिस्तान और बैरून मुल्क बहुत से ड्रामे लिखे और कुछ पाकिस्तानी फिल्मों की कहानियां भी लिखी। हसीना मोइन के लिखे गए ड्रामों में शहजोरी, लड़की बात नहीं समझती है। अरे 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 अरे, देखो मेरा मुंह मत लगना, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ समझे, लूला लंगड़ा करके भेजूंगी यहाँ से। क्या मतलब? अनकही, बहुत अफसोस की बात है, यानी कमाल है, पूरा बावर्ची खाना खचान मारा है। वो आप अभी ने चाय का और चीनी का डब्बा ही अंडरग्राउंड कर दिया। मामू, जब मुझे नौकरी मिलेगी ना तो सारे घर में ना चाय के डब्बे ही डब्बे हो। वाह 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 भांजी, क्या जन्नत का नक्शा खींचा है तुमने। वैसे मामू, मुझे 1,500 की तो नौकरी मिली जाएगी ना। मिली गई समझो। पता है हम क्या करेंगे? सारे घर को ठीक कर देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। तन्हाइयां, हम आ गए। आई क्यों नहीं हमें लेने? बहुत बुरी आप। मैं तो खैर इतना नहीं डरी, लेकिन जारा को तो दम निकल गया था, कांप रही थी डर के मारे। अगर बाबा ने कसम खा के घी नहीं दिलाया था ना, कभी नहीं मानती, समझी तो किडनैप करने आ गया है। आनी, क्या हुआ है? आनी, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं हुआ। किसके टिकट है? हम तीनों के। हमारे? हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ एक हादसा हो गया। हादसा? तुम लोगों को जो मैं बात बताने जा रही हूँ तुम्हें बहुत हौसले से सुननी है। एयरपोर्ट से वापसी पर उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। किसकी गाड़ी का एक्सीडेंट? नहीं नहीं नहीं। और धूप किनारे के अलावा बहुत से मशहूर ड्रामे शामिल हैं। पाकिस्तानी फिल्मों की अगर बात करें, फिल्म यहाँ से वहां तक जिसमें वहीद मुराद शामिल थे, इस फिल्म की कहानी लिखी। फिल्म नजदीकियां के डायलॉग्स लिखे जिसमें समीना पीरजादा शामिल थी, और फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए की कहानी भी लिखी। हसीना मोइन ने राज कपूर की दरखास्त पर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट यानी के हिंदी फिल्म हिना के डायलॉग्स लिखे थे। ये फिल्म 28 जून 1991 में रिलीज हुई थी। राज कपूर की ये भी ख्वाहिश थी कि फिल्म हिना के टाइटल रोल के लिए अनकही और तन्हाइयां जैसे मशहूर ड्रामों में काम करने वाली एक्ट्रेस शहनाज शेख को कास्ट करें, मगर शहनाज शेख ने फिल्मों में काम ना करने की दिलचस्पी के पेशे नजर इंडिया जाकर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राज कपूर के इंसिस्ट करने पर हसीना मोइन ने जेबा बख्तियार का नाम रिकमेंड किया, और फिल्म की ऑफर मिलने पर जेबा बख्तियार ने इस ऑफर को कबूल भी कर लिया। फिल्म हिना अपने आखिरी मराहिल पर ही थी कि राज कपूर का इंतकाल हो गया। बाद इजा इस फिल्म को इनके बेटे रणधीर कपूर ने मुकम्मल किया। फिल्म रिलीज के लिए तैयार ही थी कि बाबरी मस्जिद वाला सानिया पेश आ गया, लिहाजा हसीना मोइन ने खत लिखकर रणधीर कपूर से रिक्वेस्ट की कि बराहे मेहरबानी इस फिल्म की प्रमोशन या क्रेडिट में कहीं भी इनका नाम ना लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये बात उनके फैंस को तकलीफ पहुंचाएं। रणधीर कपूर ने हसीना मोइन की इस रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए ऐसा ही किया। सो हर नेम वॉज नॉट मैंशनड इन द क्रेडिट्स नॉर द फिल्म वॉज प्रोमोटेड यूजिंग हर नेम, बट शी वॉज एक्नॉलेज एट द एंड ऑफ द फिल्म एनी हाउ। इस बात से हसीना मोइन के कैरियर को यकीनन नुकसान हुआ, मगर जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने मुल्क की खातिर अपनी जान भी दे सकती हैं, तो फिल्म का क्रेडिट ना लेना तो बहुत छोटी सी बात है। और बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि हसीना मोइन ने पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी फिल्मों की कहानियाँ और इंडियन फिल्म हिना की कहानी के डायलॉग्स के अलावा 1995 में दूरदर्शन मेट्रो का ड्रामा सीरियल कश्मकश की कहानी भी लिखी,
और इस ड्रामे का टाइटल सॉन्ग पाकिस्तान के जाने पहचाने सिंगर और कंपोजर अरशद महमूद ने कंपोज किया था, जिसे नामवर गुलुकारा टीना सानी ने गाया था। इसके अलावा 1999 में स्टार प्लस का मशहूर तरीन ड्रामा सीरियल तन्हा की कहानी भी लिखी, विच वॉज अ जॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंक्लूडेड टॉप पाकिस्तानी एक्टर साजिद हसन एंड एक्ट्रेस मरीना खान। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस।